गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, अगर आप हमारा इंटरव्यू कंटिन्यूसली सुन रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने कंटिन्यूसली निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से बाय का व्यू दिया है एंड स्टिल वी होल्ड द सेम व्यू। वी फील दैट निफ्टी इज हेडेड हायर एंड सून वी विल सी लेवल्स ऑफ 18,000 प्लस इन निफ्टी। कोई भी डिप अगर आता है निफ्टी में प्रेजेंट लेवल से 100-150 पॉइंट का, तो वो डिप में खरीदारी करे। नीचे में जो अभी सपोर्ट बनेंगे निफ्टी के 17,600-17,500 के बनेंगे। तो कोई भी प्रेजेंट लेवल से 100-150 पॉइंट का डिप आता है निफ्टी में तो आप लोगों को खरीदारी करना है। ऊपर में 18,000 का इमीडिएट टारगेट होगा और 18,000 का लेवल ब्रेक होने पे 18,200 तक का मूव निफ्टी में हमें आने वाले हफ्ते भर के अंदर देखने को मिल सकता है। डिप्स में खरीदारी करें। लास्ट वीक हमने कहा था बैंक निफ्टी में शार्प अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और 1,000 से 1,500 पॉइंट का अप मूव देखने को मिलेगा। ऐसा ही हमने लास्ट 3 से 4 दिन के अंदर देखा है। एक शार्प अपसाइड मूव हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है। बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। नीचे में जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 36,300 का है। जब तक अभी ये नीचे में सपोर्ट्स नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चले। कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। बैंक निफ्टी में ऊपर में जो इमीडिएट हर्डल और रेजिस्टेंस बनेगा वो 37,700-38,000 का बनेगा। 37,700-38,000 ये इमीडिएट ऊपर में हर्डल होंगे बैंक निफ्टी के। जैसे ही ये हर्डल क्रॉस होता है उसके बाद 39,000 से 40,000 तक का मूव हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो लोग प्रॉफिट में हैं और जिन्होंने लोअर लेवल से लॉन्ग करके रखा हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो मेटल सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा स्टील, सेल, इनके अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, ये स्टॉक्स मेरे को मजबूत लगते हैं। आने वाले महीने भर के अंदर 5 से 10% का अपसाइड मूव हमें मेटल सेक्टर के अंदर मिनिमम यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। तो मेटल सेक्टर में एक तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। उसके बाद फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बनाए। आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, ये स्टॉक्स मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छे दिख रहे हैं। आरसीएफ के अंदर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं 75-80। ये अच्छे लेवल से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए स्टॉक का नीचे में 70 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के लेवल आने वाले एक महीने के अंदर आरसीएफ में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने आज 200 DMA लेवल ब्रेक किया है तो स्टॉक यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। तो आरसीएफ के अंदर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से एडवाइस लेके ट्रेडिंग करें और इन्वेस्ट करें और इस साल के अंदर अच्छा पैसा बनाएं। यही हमारी विशेज है, ये हमारे काम में है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।